हेलो सर, टुडे आई विल स्टार्ट द डिबेट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड अस इन प्रीवियस क्लास. सर, द क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया कैन नॉट हैव वन पार्टी सिस्टम. सर, बिकॉज इंडिया हैव डाइवर्स कल्चर एंड डाइवर्स रिलीजन, बट चाइना हैव एन मेजोरिटी एथनिक ग्रुप कॉल्ड हंस. तो सर, इंडिया में सर बहुत डाइवर्स कल्चर, अगर सर इंडिया में वन पार्टी सिस्टम होता है तो सर आए दिन यहाँ पर रिवॉल्ट होगा इंडिया में. और सर, अगर सर वन पार्टी सिस्टम हो इंडिया में तो सर फिर कौन होगा जो हम लोग को अपोज करेगा? मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई गलत फैसला हुआ तो सर अपोजिशन तो होना चाहिए ना सर, कि उसको कोई अपोज कर सके. ओके, आलोक सिस्टम हुआ तो हमारे यहाँ विद्रोह होगा, हमारे यहाँ रिवोल्ट होगा. और वन पार्टी सिस्टम में कोई भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका विद्रोह करके आलोक सर, आपका आवाज की आवाज आपको जा रही है? नो सर, अभी नहीं आ रही है. हेलो, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम के फेवर में इन्होंने बोला, ठीक है. अब चलिए, हम पार्टी सिस्टम की इस साइड से कौन कौन है वन पार्टी सिस्टम की तरफ से, चलो स्टार्ट. वन पार्टी सिस्टम के तरफ से स्टार्ट करिए. चलो, श्रेया, शिक्षा. सर, हम मल्टी पार्टी सिस्टम के तरफ से थे. वन पार्टी में कौन कौन है? तो मैं क्लास सस्पेंड करके निकल लूंगा यहाँ से, आप लोग क्लास नहीं चलाऊंगा. सर, वन पार्टी सिस्टम में प्रियंका थी. सर, प्रियंका थी. प्रियंका कहाँ हो? प्रियंका मैं आपको रिमूव कर दूंगा, घर जाइए, घर जाके बैठिए आराम से. सर, कोई श्रेया नाम की लड़की भी तो थी. सबको मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज सबको जा रही है? यस सर, यस सर, अब आने लगी. चलो, तो उस साइड से श्रेया. श्रेया राज, चलो बंद करो ये सब चीजों को. चलो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है. आप लोग डिबेट करने लायक अभी नहीं है. सब प्रिपरेशन करके आए थे सर, हम लोग को करना है. नहीं, कुछ नहीं करना है. आप लोग क्या करोगे? प्रिपरेशन करके आए थे. क्या प्रिपरेशन करके आए हो? देख लो आपके टीम के कैसे फील्ड है. अब इन लोगों को मैं शॉर्ट कट कराता हूं, मैं किसी तरह का डील नहीं करता हूं. सर, अपोजिशन वीक है. अपोजिशन है या नहीं है तो वीक है, रहेगा तो वीक है या फिर स्ट्रांग है. सर, तो उस दिन जो कैप्टन मैन था उसके पीछे कौन कौन था? कैप्टन कहाँ है? कैप्टन तो खुद प्रेजेंट नहीं है, खुद भागी हुई है. कैप्टन कहाँ है? ये उन लोग का एक रिक्वेस्ट मैंने दूंगा आज के बाद. थी विशाल बैबो था. सर, कैप्टन के पहले वाला क्लास तो हम किए ही नहीं है. सर, कैप्टन तो सर श्रेया थी. नहीं सर, श्रुति थी कैप्टन उस टीम की. अगर कैप्टन है तो सारे के सारे टीम गए. मैं वो लिस्ट निकलवाऊंगा और उसके बाद जो जितने लोग वन पार्टी सिस्टम के फेवर में उनका एक भी क्वेश्चन या फिर एक भी डाउट क्लियर नहीं करूंगा मैं. आप अपने घर पे करते रहिएगा. केवल मल्टी पार्टी सिस्टम में
जो स्टूडेंट है बस इतने को ही गौर करके मैं आगे लेके चलूंगा। वन पार्टी सिस्टम वाले घर पे रहिए। चलो मैं आपको ये डिबेट बंद करता हूँ, मैं आपको अपने डाउट क्लास में लेके चला आता हूँ। या फिर चलो आलोक, आपकी जो टीम है जो मल्टी पार्टी सिस्टम के सपोर्टर जो है, मैं आपके यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपका अपोज करूंगा, ठीक है? आप मेरे पर डिबेट कर लो। ओके सर। चलो ओके सर। फर्स्ट टेल मी व्हाई यू ऑल आर, वन बाय वन एक एक करके आप जवाब देंगे। Why you all are supporting multi-party system? System which has been adopted by our country, India. Why, anyone? Because sir, because in multi-party system, it is a democratic party. If there is no opposition, so anyone can't oppose anyone's question in other parties. So multi-party system is important. Sir, I support multi-party system because there is a right of expression, sir, and we got freedom to make our political parties. But like countries like China, there is no freedom. Like North Korea, where Kim Jong is the dictator, that India has adopted multi-party system. Therefore, in India, everybody has right to express their view. You want to say that? Yes, sir. Of course. Okay. Have you watched the incident of yesterday at 7 o'clock when Maharashtra police arrested Arnav Goswami? Yeah, sir. Can you give me the reason why did this incident take place? I don't know about this controversy. Okay, wait. It is also a part of our democratic country. Yes, sir, I know that. It's media is an independent. Ye azad stambh hai. Utar ke in our country for judiciary. Election commission, media, twice are independent. Yes, sir. But Maharashtra police went there with cops and arrested Arnav Goswami, the chief editor of Republic Bharat. Yeah, sir, I agree with you. But Arnav Goswami used unobnoxious words about Uddhav Thackeray, I think. Sorry, sir. About Maharashtra government. You are saying that in India, तो यहाँ पे आप ये भी लेके चलोगे कि in the election of 2019, everybody was saying that. Yes, sir. I support with you. लेकिन न सर. अरे सुनो भाई, मेरे को बोलने दे कुछ. Yes, sir. बोलिए. मैंने आप बताया कि आपने बोला कि Maharashtra government against है बोल. इसलिए क्या करा आपने? उसको इस तरीके का पॉइंट, मतलब आप कहना चाहते हो कि हम हमारे देश में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए? नो सर, आई डोंट से अबाउट दिस सर, आई से दैट वी हैव टू राइट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, बट इन अ राइट वे, नॉट अ रॉन्ग वे सर। राइट वे अ रॉन्ग वे मींस व्हाट सर? ही वाज नॉट बॉम्बिंग ऑन द हाउस ऑफ उद्धव ठाकरे सर। उन्होंने कहा गया था सर, अर्णव ने सर क्या कहा था, आप मुझे क्या बता सकते हैं सर? बताने की बात नहीं, देखो कहने का मतलब है कि इमेजिन कर लो, चले जाओ 1971 इमरजेंसी, जेपी आंदोलन, बहुत फेमस आंदोलन रहा, आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा सर, एक मिनट। एवरीबॉडी हु इज टू अगेंस्ट इंदिरा गांधी वाज पुट इनटू जेल विदाउट एनी अरेस्ट वारंट एंड ट्रायल, दैट वाज कॉल्ड इमरजेंसी। तो कैसे आप बोल सकते हो कि इंडिया में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो अगर मैं अगर नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, इमेजिन कर लो नीतीश कुमार के बहुत सारे स्कीम एंड प्रोग्राम है जिसके हम लोग फेवर नहीं कर पा रहे, तो मैं अगर बोलूँ भाई मैं आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का काम क्या है? मेरे को लेकर जेल में जाकर इंटरव्यू कर देंगे, बंद कर देंगे? नो सर, नो सर। देन हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी में सब चीज सही चलता है? सर अगर सर मीडिया 80% मीडिया जो है वो अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ी हो गई है, तो आप मीडिया के ऊपर क्लेम करो कि सिस्टम के ऊपर क्लेम करोगे? नो सर, आई एम नॉट क्लेमिंग ऑन मीडिया, आई एम क्लेमिंग ऑन सिस्टम। तो
सर लेकिन अगर सर नहीं होता हम लोग के पास राइट टू एक्सप्रेशन, तो सर 2019 के इलेक्शन में 2301 पार्टी इलेक्शन कमीशन में कैसे रजिस्टर हो सकता है सर? इंडिया में 2301 पार्टी है सर, पॉलिटिकल पार्टी, हाउ कैन इट रजिस्टर सर? पॉलिटिकल पार्टी अलग मैटर है। तो सर जब उन्हें एक्सप्रेशन का राइट है तभी तो सर उतना रजिस्टर्ड हुए हैं। नो नो नो, ये अलग राइट हो गया, एक्सप्रेशन का राइट की बात नहीं हुई। अब आपको क्या लगता है कि चाइना में वहां पे लोगों के पास किस तरह का राइट नहीं है? वहां के लोग इंजीनियर्स नहीं बनते हैं, राइट कैसा नहीं है वहां पे? नॉर्थ कोरिया बन ले, इस चीज को पूछ रहा हूं कि आपने देखा क्या महाराष्ट्र भी मल्टी पार्टी सिस्टम के ही पार्ट में आता है ना? ऑब्वियसली सर। तो फिर वहां आपने पता, तो अभी आपने बोला कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि एवरीवन इज इंडिपेंडेंट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। तो फिर भारत के इतने बड़े एडिटर को, जो रिपब्लिक भारत का चीफ एडिटर है, उसको इस तरीके से आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? ऑपोजिशन है तभी तो उसका अपोज भी किया जा रहा है ना सर, कि क्यों अरेस्ट किया गया अर्णब गोस्वामी को? अगर यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता तो उस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो भी मन करता वो कर देते और कोई कुछ नहीं बोलता। जो भी मन करता वो कर देते और कोई कुछ नहीं बोलता, कौन क्या बोल रहा है सर? अर्णब गोस्वामी बोला ना, इसी वजह से तो उसको अरेस्ट किया गया। आप ये नहीं, अर्णब गोस्वामी कोई पार्टी थोड़ी ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना है, वो न्यूज एडिटर है, उसको इससे क्या मतलब है? अब आप कुछ भी हो जाए, अप्रोक्स आपको लोग, आपने एक मूवी देखा होगा नायक, यस, उसमें आपने देखा अनिल कपूर भी एक जर्नलिस्ट है सर, एक दिन के लिए सर चीफ मिनिस्टर बने थे, जो भी है, पहले उसने अमरीश पुरी से इंटरव्यू जब लिया तो उसमें आपने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो उस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि आप मीडिया का वो जो बंदा जिसने क्वेश्चन पूछा उसको ले जाकर जेल में बंद कर दिया कि तुमने क्यों वो क्वेश्चन पूछा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या करोगे, इस सिस्टम को कहां तक सपोर्ट करोगे? तो ये सिस्टम ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दिया, तब ना वो मीडिया के ऊपर भी अटैक कर पा रहा है, तो हम ऐसे सिस्टम का सपोर्ट क्यों करेंगे? तो सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया कि सर हमने अर्णव को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि सर उनका कोई 2018 में किसी सुसाइड केस से कनेक्शन था। तो आप अरेस्ट कैसे कर सकते हो किसी को भी, मेरे को ये नहीं पता। 2018 का जो कि अब उसके ऊपर ज्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसको बढ़िया से जज करिएगा, चेक कीजिएगा सर, क्यों 2018 का केस था, 2019 में जाकर बंद हो गया था, क्लीन स्वीप, वो फाइनलाइज हो गया था। लेकिन फिर अब ये महाराष्ट्र के पास जो घटनाएं घट रही है, अचानक आप एक ही बार इस तरह की केसेस को निकालते हो, तो फिर एक आपको नोटिस पहले भेजना चाहिए था सर। ये तो आपको आपको इस केस के 2018 का जो नायक का केस था उस केस के बारे में कुछ हम लोगों को आपको क्वेश्चन करना है, इसलिए आप थाने इतने बजे पहुंचिए, जो भी ये तरीका हुआ। आपने ना उसको इन्फॉर्म किया ना कुछ किया ना, जिसके आप डायरेक्ट उसके घर पे अटैक करके उसको ले जाकर ड्रैग करते हुए लेकर चले गए, ये कहां तक करता है? खैर ये मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, दो चार कदम आगे आपको लेकर चल रहा हूं। चलो मल्टी पार्टी सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, पहले मैं आप ही के सिस्टम में बात कर रहा हूं, तुम्हारे देश का, ध्यान देना, मल्टी पार्टी सिस्टम का फायदा देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश का पार्लियामेंट, दो तरीके का बांटो, लोकसभा और राज्यसभा। सिस्टम देखो, यस सर, गरीबों के लिए कितने काम हो रहे हैं। लोकसभा में लगभग तुम्हारा 545 मेंबर, राज्यसभा में लगभग 250-260 के बीच में, यस सर। इनका एक बंदे की सैलरी लगभग 1.5 मतलब 1.5 लाख के बीच है, इनका भी टोटल 1 लाख, इसका कैलकुलेशन कर लो, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। 28 स्टेट जो है, तो इसके टोटल एमएलएस की बात करो, कितना करते हो? इसके बाद तुम्हारे देश का सिस्टम जो है, हमारे यहाँ जो रिटायर्ड एमएलए या जो एमपी होते हैं उनका सेल्फ पेमेंट मतलब पेंशन मतलब हाफ पेमेंट ऊपर जोड़ लो, चलो ये सब है। इसके बाद हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स उनका सैलरी अलग रखो, वो सब छोड़ दो,
इसके बाद तुम्हारे नीचे ये तो मैं ऊपर लेकर का बात किया, बी सेंटर में ये सब लोकल गवर्नमेंट, तुम्हारे देश में कितने मेयर है, मुखिया जी है, सरपंच है, वार्ड है, घर वगैरह सब जो लोकल गवर्नमेंट है, इनका पेमेंट है। तो मुझे जहां तक लगता है आपके मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जो 100% इनकम आपके देश का होता होगा उसका 90 इनकम तो इन नेताओं के पॉकेट में चला जाता है, नेताओं के पास चला गया, बचा क्या, बचा क्या 10 रुपये। ये 10 रुपये में 130 करोड़ गरीब हिंदुस्तानियों के ऊपर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम का, इसका सपोर्ट करते हैं। सर उन्होंने सर्विस दिया होगा तभी तो मिला होगा, इसका सपोर्ट करते हैं लोग। तो इससे तो लाख दर्जी अच्छा है ना कि वन पार्टी सिस्टम, एक बंदा सी जिनपिंग जो है, ठीक है सर आप सपोर्ट करते हैं वन, वेट नो नो मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो, मैं आपकी जो बात कर रहा हूं मैं नहीं सर, आप एक देश को लेके क्यों सर वो सर कर रहे हैं सर, नॉर्थ कोरिया को लेके करिए ना सर, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप फॉलो करता है वो वन पार्टी, नो सर उसमें वन पार्टी सर कहता तो वन पार्टी है तो डिक्टेटरशिप उसका गलती सर कहते हैं, सऊदी अरब को भी ले लेगा सर, हम अभी नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं सर, वो बोल हम लोग एक्सेप्ट किए हैं कि सर बात कर रहा है, बोलो नॉर्थ कोरिया की बात सर, नॉर्थ कोरिया में तो सर हम सर वन पार्टी तो वो खुद को बताता है ना सर कि हम वन पार्टी है, तो सर वहां पे तो वहां पे सर क्या है राइट हम लोग को बताइए, अगर हम लोग वहां पे जाते हैं सर ना इंटरनेट चला सकते, राइट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस देश के राइट की बात कर रहा हूं सर, वहां पे तो इंटरनेट चलाने तक का नहीं है सर राइट, वो देश ऐसा देश जो कि ओपनली अमेरिका के सामने स्टैंड हो गया सर, अमेरिका सर अमेरिका चाहे तो एक दिन में उसको खत्म कर सकता है, क्यों नहीं खत्म करेगा सर, क्योंकि सर किसी भी चीज सर अगर हम लोग को किसी भी बॉम्ब या एटॉमिक चीज का यूज करना है तो सर सर यू परमिशन लेना पड़ता है ना सर यूज करने के लिए, 2000 में 2000 में एक मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि 2000 में आपके ये जो इसको हटाइए आपको राइट नहीं है, मेरे को देखो कहने का मतलब है कि हमें राइट नहीं है, इसको राइट नहीं है, उसको राइट नहीं है, राइट राइट के चक्कर में पड़ोगे, आपके देश में क्या राइट है, 5 राइट बताओ सर, राइट तो देश को सपोर्ट कर रहे हो सर, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, बस सर रियली वेट 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 धीरे धीरे बोलो, आराम से समझते हो, मैं बोलो क्या पहला सर, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी इन व्हिच एरा, किस जगह पे इक्वालिटी सर, ऐसा इक्वालिटी सर, लॉ के आगे क्या सर, सर हम लोग को इक्वालिटी है लॉ के आगे सर, जैसे कि सर सर कोई सर लोअर कास्ट का पीपल है सर, वो अपर कास्ट के बराबरी में सर आके बोल सकता है कभी भी सर, हम भी कुछ बोले, अब बोलिए बोलो सर, राइट टू फ्रीडम है, नहीं नहीं वेट वेट आप भी बोलो, हाँ शिक्षा बोलिए सर, अगर वन पार्टी सिस्टम इतना ही अच्छा था तो ब्रिटिश का लोग अपोज क्यों कर रहे थे, रहने देते ब्रिटिश को भी, सही बात है सर, तो ब्रिटिश का मतलब वो तो तुम्हारा स्लेवरी सिस्टम ना हो गया जी, अच्छा सर अगर वन पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि कोई दूसरे देश का बंदा आएगा और हमारे देश को बनाज करेगा सर, वन पार्टी इतना ही अच्छा है तो सर टर्की क्यों चेंज किया सर, वन पार्टी इतना अच्छा है टर्की और बेल्जियम क्यों चेंज कर लिया सर, वन पार्टी से मल्टीपल पार्टी पे क्यों चला गया, आप ही बताइए। देखिए टर्की की बात करोगे, बेल्जियम की बात करोगे, अच्छा एक बात बताओ, बेल्जियम की बात करोगे तो छोटा सा एग्जांपल बता दो, नो सर हमको टर्की के बारे में बताइए पहले, सुन लो पहले, तो कहने का मतलब कि वहां का जो सिचुएशन किस तरीके का है इसके आधार पर उन लोगों ने इस तरह का डिसीजन लिया, ठीक है। अब बेल्जियम की बात कर लो, बेल्जियम में आपने क्या देखा कि छोटा सा एग्जांपल देखो, बेल्जियम में क्या था आपने देखा कि सेंटर में कौन है, yes. है और जो कैपिटल yes. है उसमें फ्रेंच है, तो उसमें उन लोगों ने गिव एंड टेक का फॉर्मूला यूज किया और उसके आधार पर उन लोगों ने क्या करा वहां के मैटर को सेटअप किया। तो कहने का पॉइंट है कि हम लोग अपने देश के सिचुएशंस को देखो, मैं आपके देश की बात कर रहा हूँ, आपके देश ने मल्टी पार्टी सिस्टम को यूज किया तो उससे आपको कितना बेनिफिट्स हुआ,
सर बेनिफिट तो सर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सर अगर हम लोग ये देश में वन पार्टी सिस्टम होता तो सर ये इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, कितना यहाँ पे रिलीजन रहता है। मान लीजिए कि अगर अगर एक कास्ट का सर अगर कोई एक कास्ट का यहाँ का रूलर बन जाएगा सर वन पार्टी सिस्टम में, और सर जैसे कि सी जिनपिंग है तो सर वहाँ पे डाइवर्स कल्चर नहीं है, वहाँ पे मेजोरिटी है हंस ग्रुप का, तो हंस ग्रुप के हैं तो हंस ग्रुप उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे तो सर डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, तो सर अगर मान लीजिए हिंदू का बन गया तो सर मुस्लिम और अलग कास्ट तो उसको अपोज करेगा ही, अगर सर वो कोई गलत फैसला लेता है तो सर चाइना में तो उसको सपोर्ट करता है। गलत फैसला लेता है मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरे रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि छोटा सा एग्जांपल देख लो कि अभी अगर अपोज करने वाले लोग तो अभी भी अपोज कर सकते हैं कि पूरा ऊपर से नीचे तक जो है वो बीजेपी बीजेपी बीजेपी, और बीजेपी जो है इसकी कोर जो एजेंडा है वो किस के ऊपर पूरी तरह से बेस है, हिंदुइज्म के ऊपर, तो हिंदुत्व के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे भी लोग विरोध कर सकते हैं, तो क्यों कोई भी विरोध नहीं कर रहा, सबके सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है, तो क्योंकि सर वो काम कर रहे हैं। यही बात है कि वन पार्टी सिस्टम में अगर वो कोई काम करता है देश के लिए काम करता तो क्यों कोई उसको अपोज करेगा। सर मेजोरिटी उनको, लेकिन अक्सर ऐसा देखा नहीं गया कि वन पार्टी सिस्टम में जो बना है वो काम ही किया है सर, काम बहुत अच्छा सर। आप काम की बात कर रहे हैं बीजेपी की, सर बीजेपी ने सर तो हमारे जीडीपी को -23.9% में पहुंचा दिया, जो कि सर कांग्रेस के सरकार में 2 digit में हमारी जीडीपी थी सर मनमोहन सिंह के सरकार में, तो आज के डेट में तो अमेरिका का भी जीडीपी माइनस में चला गया है। तो सर उतना तो नहीं ना गया है जितना हमारा गया है सर, फिर तो रिकवर भी हो गया सर, अभी हमारा रिकवरी रेट अभी हम कहाँ रिकवर हुए, तो अभी भी तो माइनस में ही है। क्यों? बिकॉज़ आपके देश ने मल्टी पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया है। सर अमेरिका में भले ही 2-party सिस्टम हो, आई अग्री विथ यू सर, लेकिन वहाँ पे तो 1-party सिस्टम तो नहीं है सर, वहाँ पे तो हम लोग को चॉइस है, ये नहीं सर आज जो बाइडेन जीत गए सर। यस सर, तुम बोला कि वहां के देशों का जो जीडीपी है उसको रिकवरी कर लिया गया, आपके देश का कहां गया सर? नहीं हुआ, हमारे देश का कहां गया? तो ये सिस्टम हमारे देश का, आपके देश का जीडीपी की रिकवरी बाद में लोग बात करते हैं, सरकारें बात करती है, सरकारें पहले ये सबका पहले सैलरी फाइनलाइज करो, अरबों खरबों तुम्हारे देश का, मैंने बोला कि 90% पैसा इनके पास चला जाता है और 10% में तुम जाके अमेरिका के बराबर में तुम खड़ा होने जाके सर, वो तो है 10% आप चाहो कि अमेरिका की तरह हमारा जीडीपी बढ़ जाए, पहले आपको ये सिस्टम खत्म करना पड़ेगा सर। तो हम लोग को अभी तो सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो अभी तो सिंपलीफाइड करने में तो इंडिया को बहुत टाइम लगेगा, अगर हम लोग को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंपलीफाइड करना है तो सर, क्योंकि अगर पहले तो बहुत जगह पे सर हम लोग का सिस्टम बटा हुआ है, और सर इंडिया में करप्शन भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में देखिए ये अलग मैटर से करप्शन से ये है, अगर क्यों है क्योंकि एक पार्टी अगर उसके सपोर्ट है दूसरा पार्टी उसका पैर पकड़ के खींचना शुरू कर देता है, यही तो पार्टी का किसी पार्टी का सपोर्ट है तो तीसरा पार्टी उसका पैर पकड़ के खींचना शुरू करता है, ये दिस इज द रीजन। सर आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में वन पार्टी हो जाए? नहीं मैं अगर कहीं गलत हूं तो मेरे को बताओ, मेरे को क्रैक करो क्रॉस करो कहीं पे सर, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वन पार्टी सिस्टम है तो हम लोग का जीडीपी मेंटेन में रहे? सही बात है सर एकदम, क्या गारंटी क्या है सर, मान लीजिए बीजेपी को ही बना देते हैं तो सर सर करप्शन सर उसकी वजह से है, लेकिन हम मानते हैं कि उसकी वजह से, लेकिन सर हम लोग के सोच में भी तो करप्शन है सर, कोई सोचता है कि चलो अब मिल रहा है तो ले लेते हैं सर, ऐसा कई जगह सर ऐसा हमने कई जगह देखा है सर, मैंने खुद देखा है सर, आई अग्री सर, अब मैं बताऊंगा नहीं लेकिन मैंने देखा है मेरे आँख के सामने सर, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोग डेवलप नहीं है, यहाँ के लोग जब डेवलप होने लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, यहाँ के लोग डेवलप होने लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये मेरे को बताओ यहाँ के लोग डेवलप कैसे होंगे सर? अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने से। अब तुम्हारे देश में तो पहले से 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट है तो समझ लो कि तुम्हारे यहाँ 6 महीने तो इलेक्शन में निकल गया तो कहीं ना कहीं हर जगह पे इलेक्शन होते हैं, कभी यहाँ इलेक्शन कभी वहाँ इलेक्शन कभी वहाँ इलेक्शन, इलेक्शन में खर्चा तो होता है। एक तुम्हारा एमपी मतलब वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान, और ये जो एमएलए लोग का इलेक्शन हो रहा है इसका पैसा मैंने हर स्टेट वाइज ये पैसा अलग लग रहा है, तो मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि क्यों ना हम ये सारे सिस्टम को सारे सिस्टम
सारे सिस्टम की मैं जो बात कर रही हूँ, सारे सिस्टम को ही कन्वर्ट है। तब तुम्हें यहाँ आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। तो मैंने इस चीज को बताया कि ऐसा एक मल्टीपार्टी सिस्टम इस तरीके से उसका नेगेटिव पॉइंट है, बट आपने अभी बताया कि आपके देश में लगभग 750 से ज्यादा सर, तो अभी तो 2301 हो गया है 2019 के इलेक्शन से 2300। आलोक बोलिए। वन मिनट सर, वन मिनट। अच्छा शिक्षा, तो सर आपके हिसाब से वन पार्टी सिस्टम कर दिया जाए? मेरे हिसाब से नहीं करो, आप अपने हिसाब से ही करो। अच्छा और कुछ अपने देश अपने मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ प्रॉफिट बताओ मेरे को, फायदे बताओ सर। और फायदे सर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा तो सर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा तो अगर मान लीजिए एक पार्टी अगर काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शन तो रहेगा कि हम दूसरे पार्टी को चूज कर सकते हैं या फिर सर उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यस सर, जैसे कि सर एक और बात है कि सर अभी आप वो बोल रहे थे क्या नाम है जेपी आंदोलन के बारे में, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी है कि अगर आप रिवॉल्ट करते हैं तो रिवॉल्ट कीजिए लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। आपको पता है कि मूवमेंट का मतलब ये है कि मूवमेंट प्रोटेस्ट जो भी किए जाते हैं, आपके देश में ये भी आजादी दिया प्रोटेस्ट करने के लिए। यस सर, राइट टू प्रोटेस्ट। में अगर लोग अगर रोड पे निकलेंगे तो क्लियर है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी। यस सर, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम। लोग अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स विल गैदर एट अ सिंगल प्लेस देन इट इज क्लियर दैट एवरीथिंग विल बी ब्लॉक कंप्लीटली, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। यस सर, उसमें आप किसी के ऊपर कैसे क्लेम कर सकते हो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अभी तो शाहीन बाग वाला जो मैटर हुआ था सर उससे उसमें तो आप तो उसमें सर ये करते हैं ना कि सर वो गलत था, आप मानते हैं कि वो गलत था शाहीन बाग वाला जो मैटर हुआ था? अब उससे शाहीन बाग का मैटर मैं नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आई डोंट नो अबाउट शाहीन बाग और उसके मैटर के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है क्योंकि आप अपने देखिए कोई भी मूवमेंट कोई ऐसा नहीं कुछ खा पी के एकदम तरीके पर फिट है और तब वो मूवमेंट करने चला है। मूवमेंट करने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई मुद्दा है, आप उस मुद्दे पे काम। आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर मैं सब चीजें सही तरीके से आपको डील कर रहा हूँ तो आप क्यों मेरे अगेंस्ट में कुछ भी बोलोगे? अगर कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मैंने गलत आपको बताया तब तो आप मेरे अगेंस्ट में खड़े होंगे। अब यहाँ पर बोले कि देखो दीवारी पर के पर ये बंदा खड़ा हो गया तो ये गलत था। गलत क्यों था? उसने उस पॉइंट को वहां पे कैच करा, उसने देखा कि नहीं वहां पे कुछ माइनर मिस्टेक हुआ है, उसके अगेंस्ट में उसने स्टेटमेंट दिया तो दिया। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी था कि पूरे लोग जो है वो साइन बाग जाकर कहीं चुपचाप जाकर बैठ गए थे। कुछ तो मैटर होगा, कुछ भी होगा, किसी की भी चूक होगी, जो भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आपकी पार्टी हो। Yes, sir. तो हम किसी के भी मुद्दे को अब तुम तो ये भी आप बोल सकते हो कि अल्लाह हजारे का मूवमेंट जो था 2014 के पहले जो हुआ था गलत था? नो सर, वो तो गलत नहीं। मूवमेंट देखिए कोई भी मूवमेंट जो है वो लोग अगर रोड पे उतर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मुद्दा, ऐसा थोड़ी ना कि भाई तुमने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया इसलिए वो मूवमेंट करना शुरू कर दिया। हो सकता है अब देखिए मूवमेंट का मेन मुद्दा क्या था, एनआरसी सीए, तो हो सकता है गवर्नमेंट उन लोगों को तरीके से नहीं समझा पा रही। अरे हम सेटिस्फाइड अगर हो जाएंगे तो फिर हम क्यों आपके अगेंस्ट में बोलेंगे? गेटिंग यस नो? यस सर। तो क्यों आपके अगेंस्ट में बोले जा रहे हैं? तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट है, यही पॉइंट है यहाँ पे कि मैं साइन बाग ये पर पॉइंट नहीं जानता, बट ऐसा कुछ अगर हुआ है तो उसमें गलतियां सबकी होंगी। चलो और कोई टॉपिक बोलो, डील करो। सर आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, मैं देश के लिए जो काम करता हूं मैं उसका सपोर्ट करता हूं। तो सर वैसे अभी आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है? अच्छा, मेरे हिसाब से नोबडी, नो वन इज वर्किंग, सब केवल लोगों को बेवकूफ बना रहा है और अपने
बीजेपी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आपके हिसाब से? व्हाट इज योर ओपिनियन? सर मल्टीपल पार्टी सिस्टम में सर एक और ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए ये पार्टी अगर आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप आपके पास एक राइट है कि आप दूसरे पार्टी के सपोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वन पार्टी अगर सिस्टम हो तो अगर वही अगर सही से नहीं काम करे तो फिर हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक बात बताओ, टेल मी फास्ट। निखिल बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, मुझे एक स्टेटमेंट बताओ। हम लोग इलेक्शंस में जाते हैं, वोट देते हैं, चलो ठीक है वोट दिया। आखिर वोट जो दिया उसका मुद्दा क्या है? वोट केवल देके अपने घर आके चुपचाप बिस्तर में आके सो जाना है या फिर वोट किस मुद्दे के लिए आपने दिया होगा? ये टेल मी फास्ट। सर हम लोग ये देते हैं कि जो हम लोग का जो सरकार बने वो हम लोग के लिए कुछ करे, वो गवर्नमेंट यानी हम लोग के जो समाज के लिए कुछ करे या फिर देश के लिए कुछ करे। बहुत अच्छा। 1947 से हम लोग वोट दे रहे हैं और 1947 से उधर लगभग 50 साल, इधर 20 साल, लगभग 83 साल, 83 सर 53 साल सर, but 53 I think 84 years old भैया। अब ये 73 अरे 1947 से वीडियो रो ना सर, 73 है सर। चलो 73 years से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज करके ही देख रहे हैं कि ये आएगा तो वो सुधार हो जाएगा, वो आएगा तो ऐसा सुधार हो जाएगा, वो बंदा करेगा तो हमारा देश स्विट्जरलैंड बन जाएगा, नहीं नहीं उसको बुला तो हमारा देश हांगकांग बन जाएगा, नहीं चलो इसको हटा भी अच्छा नहीं करना, तीसरे को बुलाओ तो वो हमारा देश को अमेरिका बना देगा, नहीं वो ठीक नहीं किया तो चलो चौथे को बुलाते वो कर। मैंने 70 साल सर तो ऐसा थोड़ी ना सर की 1947 वाला ही हालत है। अभी 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, श्रीलंका हम लोग से आगे है पीछे क्या? नो सर आगे है, इतना आगे उसका पॉपुलेशन भी तो देखिए सर, तो उसका जमीन भी तो देखिए सर, सर तो पॉपुलेशन भी तो देखिए सर, आपके देश की तरह उसके पास सारा सिस्टम भी तो नहीं है सर, तो पॉपुलेशन को देख के तुम चलोगे तो इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन देख लो ना सर। चाइना के पास तो सर जमीन ज्यादा है ना हम लोग से और रिसोर्स भी ज्यादा है। आप जब श्रीलंका से बोलोगे तो बोलोगे वहां पे पॉपुलेशन कम है और जब चाइना से कंपेयर करके तो यहाँ पे जमीन ज्यादा है, मतलब एक्सक्यूज तो आप हर जगह पे निकाल लोगे। मैंने अपनी बात को मनवाने के लिए आप लोग एक्सक्यूज तो हर जगह पे निकालोगे। श्रीलंका सर आप क्या नहीं मालूम है सर, आ सकते हैं सर कौन से चीज में इंडिया से आगे है सर नहीं मालूम है, आप नॉलेज के लिए बता सर तुमको। लेकिन अगर 1947 से अगर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं रहता और अगर सिंगल पार्टी सिस्टम रहता तो आज जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो भी नहीं होता। कैसे? क्योंकि क्योंकि सर ये सारा जो पैसा है, ये सारा जो पैसा, ये तो बचता ना, वो अकेले कितना खाता बंदा सर। इंडिया की इंडिया अब्रॉड इंडिया बात करते हैं हम लोग, ठीक है तो सर जर्मनी और अब्रॉड इंडिया सर, इंडिया के बाहर की सर जर्मनी और फ्रांस को सर कितने तेजी से वो डेवलप कर रहे हैं, वहां पे भी तो मल्टी पार्टी है सर। रसिया सर, रसिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल सर, वहां पे तो 6-6 पार्टी है सर, 6-6 पार्टी कॉन्टेस्ट करती है लाइक इंडिया, लाइक इंडिया। बट कहने का पॉइंट है कि आपने सही बताया कि लाइक इंडिया, वहां पे आप देख लो व्लादिमीर पुतिन की बात कर लो, कितने सालों से वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कितने साल से सर 1992 से सर 1992 2008 में एक बार से हटा था, मतलब लगभग कितने साल हो गए वहां पे, एक सोच 28 25 साल से वो एक सोच वहां पे राज कर रही है, जिसकी वजह से रशिया जमीन से, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, सोच की बात करूंगा। बट आपने अपने देश में कह दिया कि आपके यहां की सोच ही फ्लेक्सिबल है। अभी इमेजिन कर लो कि हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, इन लोगों ने नए नए रूल्स लगा लिए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नो रूल। इमेजिन हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब इमेजिन करो कि छोटा सा एग्जांपल देख लो कि नेक्स्ट 2024 अगर तुरंत कहीं गवर्नमेंट एक्सचेंज होती है, गवर्नमेंट बदलती है, वहां पर कोई दूसरी सरकार आ जाती है, तो मैं कर रहा हूँ क्या, कि मैं पार्टी सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आपने बताया कि इस पर पुतिन रशिया के लगभग 25 साल से लंबे समय से वो वहां का बंदा है, तो वो भी एक तरह का क्या है, जितनी दूसरी पार्टियां उसके सामने स्टैंड नहीं हो पा रही है,
वो कहने का मतलब है कि अपने आप को अब लोग 25 साल से लोगों को क्या होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें सर तो सर ही डज मेनी थिंग फॉर रशिया सर ये भी तो आपको देखना चाहिए कि सर उसने रशिया के लिए कितना कुछ किया ये सिस्टम आपके देश में क्यों नहीं सर अब वो तो देश की लोगों की गलती है अभी आप देख रहे हो कि 15 इयर्स से छोटा एग्जांपल देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं आप अपने बिहार के कंडीशंस को देखो छोटा स्टेट में लेके चलता हूं 15 साल पहले सर कांग्रेस भी तो सर इतना दिन था तो सर वो क्या कर लिया कांग्रेस इतना दिन रह के आप बताइए तो फिर मैं यही आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि फिर ये जो कोई भी सरकारें आ रही हैं अलग अलग तरह के बदल बदल के आ रही हैं कोई कुछ नहीं कर रहा तो फिर मल्टी पार्टी सिस्टम का सपोर्ट क्यों क्यों ना अपने देश को बोल जब एक बार बदल के फिर देख लेते सर ट्राई करने का मौका मिलता है बस इसी वजह से लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं नथिंग एल्स आपने देखा कि एमपीएस में ये बदल गया वो बदल गया दिस बदल गया दैट बदल गया हमेशा कंटिन्यू बदलाव होता चला अच्छा सर बताइए अगर हम लोग वन पार्टी होता मान लीजिए बीजेपी ही अभी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो सर वो क्या अभी अभी ऐसा काम कर रहा है तो आगे भी जाके तो सर कौन सा तीर मारने वाला है ऐसा ही ना काम करेगा पहले ही सोच लो कि तो पहले प्रॉब्लम है ना प्रपोज करो कि अगर कांग्रेस को तो सर कांग्रेस को तो सर जीता के तो देख लिया ना भारत वालों ने भारतवासियों ने सर उतना साल एक एक छोटा मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूं कि 2014 के बाद जब आपके देश के पीएम बनते हैं तो उस समय भी वो एक्ट जो 370 लगा था उसको भी रिमूव किया जा सकता था यस सर तो सेकंड राउंड में उन्होंने किया तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने क्यों नहीं कर दिया बिकॉज़ इनको पता था कि इनके भी वो लोग खड़े हैं हां कि अगर कुछ भी बोलते तुरंत इनकी सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है यस सर बट ये था ना ये डर था ये वन पार्टी में क्या होगा कि ये डर नहीं रहेगा जो डिसीजन ले रहा होगा वो मैं ऑटोमेटिक अपने तरीके से लूंगा अगर मुझे लगता है कि इस डिसीजन को लेने का फायदा है तो वो लूंगा मैं बट आपके देश में क्या डिसीजन लेने के पहले भी सोचना पड़ता है कि कितने लोग इसका विरोध करना शुरू कर देंगे सर कभी कभी तो सर अच्छा आप इसका बात करें कि जो सत्ता गिर जाता तो सर उसको जब इतना ही डर था तो सर नोटबंदी क्यों कर दिया उससे भी तो सत्ता गिर सकता था आया सर आप बताइए आया भारत में ब्लैक मनी ये बता रहा हूँ ये आ जाएगा वो आ जाएगा ये सब तर्क दिया गया लोगों ने बोला चलो ठीक है अब सपोज करो कि तुम तो देख रहे हो कि मार्च से फरवरी के बाद लॉकडाउन अभी तक लॉकडाउन नहीं है सारे के सारे लोग अब घर में बैठे हैं इससे भी तो सरकार गिर सकती है लेकिन कंडीशन आपने दिया कि भाई जान है तब जान है पहले आप घर में रहिए सुरक्षित रहिए देखिए पूरे वर्ल्ड का क्या सिचुएशन है ये बोल दिखा के लोगों को रहा भाई सही बता रहा है मोदी जो बता रहा है सही बोल रहा है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है मोदी को तो करेंगे ये तो हम घर के अंदर चल गए तो कंडीशंस क्या है कि ये सिचुएशन है आई एम नॉट हियर टू अपोज दिस सिस्टम एंड आई एम नॉट टॉकिंग दैट वन पार्टी सिस्टम इज परफेक्ट देखो आपको पता है कि परफेक्शन इज ओनली एक्सेप्शन अगर कोई बोलता है कि आई एम परफेक्ट तो परफेक्ट है मतलब कि वो परफेक्ट हो सकता है क्या No, sir, never. मैं बोल सकता हूं कंप्लीटली नहीं कोई हो सकता मैं इस स्टेटमेंट को दे सकता हूं भाई एसएसटी में मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है तो मैं वोट होता हूं क्या इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा जानता हूं वोट होता हूं क्या मेरे से भी मैं कहने का मतलब है कि हां हम ठीक है बट हमसे भी ज्यादा ठीक कोई बनने वाला हो सकता है यस सर हम गुड है बेटर है चलो ठीक है बेस्ट अपने को नहीं कह सकते क्योंकि हर एक के बाद दूसरा आप ही की बात कर लो छोटा किसी की बात कर लो तो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पे डायरेक्ट वो नहीं कर देंगे कि भाई उसमें कुछ डिमेरिट है या नहीं है कहीं अब देखो वन पार्टी में राइट नहीं है लेकिन डेवलपमेंट ऑफ स्पीड देखो कितना फास्ट है मल्टी पार्टी में राइट है डेवलपमेंट में स्पीड देखो कछुए की चाल है सर सिर्फ तो या चाइना में है नॉर्थ कोरिया में थोड़ा बहुत है कंबोडिया में कहां है क्यूबा में कहां है सर अब देखो तुम लीबिया की बात करेगा सीरिया की बात करेगा नहीं है तो इन सारे देशों की बात करो तो ये तो अलग स्टेट्स है ना ये अलग यहाँ पर दूसरा ही पॉइंट चलता है यहाँ पर तो सर दो को लेके थोड़ी ना चल सकते हैं सब कलेक्टिवली बहुत लोग को बहुत सारे स्टेट्स को लेके बताइए नेशंस को बहुत सारे स्टेट्स को नेशंस को सर चल सकते हैं सर इंडिया भी डेवलप कर रहा है ऐसा कोई बात नहीं है सर आने वाले कुछ सालों में इंडिया भी वन ऑफ द बेस्ट डेवलप कंट्री हो जाएगा कुछ हो जाएगा लेकिन सर अगर एक दो को देख के चलेंगे और अपने देश में वन पार्टी सिस्टम ले आएंगे और स्थिति और खराब हो गया तो क्या होगा
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सर लेंगे। मैं यस सर, आप बहुत उसका सपोर्ट में। मैं देखो, मैं इस सिस्टम के सब मेरे ऊपर मत फेंक देना, थ्रोट कर देना कि बंदा जो बता रहा था पार्टी नहीं आ जाना चाहिए। मैं ऐसा ओपनली सपोर्ट नहीं करता, बट मैं ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। सर आपसे एक सवाल पूछे सर। सर जैसे कि नायक में एक दिन के लिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, अगर आपको सर सर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप पे भी लागू हो सकता है। सर आप पहले बताइए तो हम बताएंगे। नहीं नहीं, आप पे भी लागू हो सकता है। यस सर, हो सकता सर, है। पहले तो हम लोग क्वेश्चन पूछे ना सर, पहले आप ही बता दीजिए आंसर। तो देखो कहने का मतलब है, अब देखिए जो सिस्टम है वो कहने का मतलब कि आपने देखा कि आपके देश का जो संविधान है वो संविधान रिजिड है, ठीक है, रिटेन है, इसमें हम किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। छोटा एग्जाम्पल देखो ना, मैं सब चीजों को छोड़ के एक छोटा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये सिस्टम बताओ कि कितना बढ़िया है, मल्टी पार्टी शिक्षा का लिए, शिक्षा के लिए सबसे स्पेशल क्वेश्चन है। क्या सर क्वेश्चन है? ध्यान देना, ये सवाल वेयर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द जॉब ऑफ पीओन देन देयर मस्ट बी सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, बट इफ यू वांट to control the whole nation by becoming the prime minister of a country, then there is no limitation, no foundation of any education qualification. Sir, iska to sir direct answer. Supporting. Yes, sir, I am supporting this. Support karega ji, batao kaise support karega? I am definitely supporting this. Yeah, tell me why. सर बिकॉज सर हम लोग को सर मेरिट चाहिए ना सर, हम लोग को ये हम लोग को डिग्री की जरूरत हो ना सर, क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत? बहुत बढ़िया, बहुत। एक बात बताओ आलोक प्रियांशु, एक ऐसे बंदे को जिसने ना कोई लाइब्रेरी देखा, ना कोई किताब टच किया, ना कभी कोई स्कूल गया, उसको मैं ले जाके एजुकेशनल मिनिस्टर आपके देश का बना दूंगा, चलेगा? तो वो गया, ठीक है, तो गया की बात नहीं है, बताओ चलेगा? सर ऑब्वियसली no, चले सर, हम बताएं क्यों? आलोक बताओ चलेगा? सर यस सर, चल सकता है, चल सकता है। वो सकता है नहीं, कह रहा मैं सर, इट मे बी फेल सर, इट मे बी फेल सर, हम दोनों तरफ से बोलेंगे सर। एक मिनट पहले बोलो, तुम क्यों बोलता है कि वो बन सकता है? सर क्योंकि सर उसको सर वो अकेला डिसीजन थोड़ी ना लेने वाला है, उसके पीछे तो सर सब सर सर कोई भी डिसीजन लेने में सर उसके ऑफिशियल्स उसको मदद करते हैं सर, उन्होंने नाइन्थ में पढ़ाया सर। बहुत बहुत बढ़िया भैया, कोई भी डिसीजन लेने के पहले, अब एक छोटा एग्जांपल दे, कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसके ऑफिसर उसका सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, तो पहले तो एक एजुकेशनल मिनिस्टर बना दिया, इसका 1 लाख रुपए में एफडी अराउंड है इसका, फिर अब ये कुछ और नहीं बनता, तो इसके सपोर्ट में हमने 4-5 अलग लीडर्स तैयार कर दिए, इन लोगों का सैलरी अलग दीजिए। तो मैं क्यों ना ऐसा कर दूं कि इसके सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट के आधार पे आप वर्क कर पाओगे? सर सपोर्ट की बात हुई ना सर, जैसे कि पीएम सर कोई भी फैसला लेना होता है तो सर उसके, मान लीजिए एजुकेशन के फील्ड में कोई डिसीजन लेना है तो सर उसके एजुकेशन के लाइन में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के पहले सर उनसे ओपिनियन लेना। क्यों ना, अच्छा एक बात बताओ, मैं वो बंदा जो है एक्सपर्ट का सपोर्ट लेता है, एक्सपर्ट की राय लेता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है, तो देश का ये सिस्टम है। अब मैं इसको हटा के डायरेक्ट जो एक्सपर्ट है मैं उसी को डायरेक्ट मिनिस्टर बना दूं तो सर उससे भी गलती हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। अरे जो गलती होगा एजुकेशन के क्षेत्र में तो गलती नहीं ना करेगा वो? नो सर, उसके तो चांसेस कम है ना कि गलत होने के। यस सर, नो सर, 10% चांस कि 10% वो भी गलत हो सकता है, पर माना कि वो एजुकेशन के क्षेत्र में वो एक्सपर्ट है, 10% गलत कर सकता है, पर इसके लिए तो कि 90% भी गलत कर सकता है। ही नो नथिंग अबाउट एबीसी, कुछ नहीं जानता। यस सर, तो बताओ तो इसीलिए तो मैंने कहा कि सर दोनों साइड है इसके, दो फेसेस हैं। मेरे को तो केवल एक ही फेस दिखाई दे रहा है। अब एक चलो इसको भी छोड़ दो, एक बंदा पूरी तरीके पे एबीसी कुछ नहीं जानता, इसी मेडिसिन कुछ केमिकल कुछ हेल्थ मिनिस्टर बना दो सर, कोई क्यों बनाएगा वैसे? क्यों बनाएगा, आपके स्टेट में देख लो एग्जाम्पल,
जैसे कि सर आप अपने स्टेट में एग्जाम्पल देख लो, तो आखिर हम लोग किस तरीके किस आधार पे इस सिस्टम का सपोर्ट करें? Yes. सर मानते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ खामी है, लेकिन ये बात तो नहीं है कि सारा अच्छाई वन पार्टी सिस्टम में है। नहीं भाई, आप बोला है कि सारा अच्छाई वन पार्टी सिस्टम में है। सर वी कांट सर वी कांट अवॉइड एनी ह्यूज मेरिट फॉर अ वन डिमेरिट सर। लेकिन सर वन पार्टी सिस्टम से ज्यादा बेनिफिट मल्टी पार्टी सिस्टम में है। लास्ट तक हार नहीं मानेगा सर, डिबेट में हार नहीं माना जाता है। हार नहीं मान सकते हम, चाहे कुछ भी हो जाए। यस सर, हार नहीं मान सकते। देखो लॉट्स ऑफ गट सर। हां एकदम एकदम। ओके नेक्स्ट एनीवन एल्स? विशाल, वैभव, विकास, शुभम, पूजा तो कुछ बोली नहीं आज। अगर सर आपको क्या लगता है, अगर इंडिया के इकोनॉमी को अगर हम लोग को सर अगर अच्छा करना है तो क्या करना चाहिए? हार्डनेस करना है सर। इंडिया की इकोनॉमी को अगर द बेस्ट करना है तो सबसे पहले इस सिस्टम को हटा देना चाहिए, नहीं तो इंडिया का इकोनॉमी जो था है और आने वाले 50-60 साल में यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सेम इस सिस्टम का दूसरा एक पॉइंट देखो, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आपकी गवर्नमेंट ने क्या करा, सारे प्रशासन शासन जितने भी गवर्नमेंट जो भी चीजें थी सबसे पेंशन को हटा दिया गया, सब पेंशन हटा, पेंशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये लोग अगर एक बार आपके मंत्री संत्री बनते हैं तो जिंदगी भर ये लोग पेंशन लेते हैं, इसमें से इन लोगों को पेंशन हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर राइट है। राइट है तो करना चाहिए था इन लोगों को। नो सर, यहाँ पर तुमने पेंशन नहीं जाता यार, तो दूसरे जॉब के लोग क्या कर रहे हैं? ओवरटाइम पास करते हैं। वहां से आपने किस आधार पे, आपने क्यों नहीं वहां से पेंशन दिया? पेंशन की फैसिलिटी वहां पे क्यों नहीं? मैं सपोज मैं गवर्नमेंट जॉब अगर कर रहा हूँ, आपके फादर मैं जब गवर्नमेंट जॉब कोई कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि भाई हमारा पेंशन जो उसको बंद कर दो? No, sir, never. तो यहाँ पे आपके देश की जो 130 करोड़ जनसंख्या है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि हमारे पेंशन को बंद कर दो? तो कहीं ना कहीं आपने पब्लिक के मतलब पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन था उसको दबाने का कोशिश किया ना यहाँ पे जी। सर वो तो सर अपने गवर्नमेंट को बचाए रखने के लिए ऐसा लोग करते हैं। पेंशन हटाया तो हम तो क्यों वोट देंगे, कहीं दूसरा सरकार आया तो फिर से पेंशन वापस ला दे सर, वो उसको हटाएगा ही नहीं सर। ये दिमाग लोगों के दिमाग में बैठ चुका है सर। मैंने आपको जो पब्लिक का पब्लिक सर्विस वाले जो लोग हैं सारे जगह से पेंशन हटा दिया गया, सारे पेंशन को खत्म कर दिया गया, लेकिन मंत्रिमंडल वाले जो लोग हैं इन लोगों ने अपना पेंशन बचा कर रखा है कि भाई हम रिटायर्ड 2 महीने के लिए भी अगर विधायक बन गए और रिटायर्ड हो गए तो हमारा पेंशन लाइफ टाइम चलेगा। ये सर मंत्रिमंडल का है। मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ये सही और रॉन्ग सर। ये तो रॉन्ग है सर, क्योंकि 2004 के बाद से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है गवर्नमेंट में उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन सर मंत्री वाले लोगों को क्यों मिल रहा है? ये गलत बात है, ये बहुत गलत। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। नहीं दो बात पूछो, एक बात नहीं। जरूर जरूर। सर हम आपसे पूछना चाहते है की वन पार्टी सिस्टम का कोई खामी है ही नहीं? सर एक बैड पॉइंट को हम रेज करना चाहेंगे। सर जैसे कि आप बोले कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम में अगर जैसे कि कोई एक पार्टी सिस्टम है अगर उसके बंदे को अगर ABC कुछ ना आए तो वो पार्टी सिस्टम बन सकता है। अगर सर यही चीज अगर वन पार्टी सिस्टम में होगा, वन पार्टी सिस्टम में कोई बंदा अगर उसे भी अगर कुछ ना आए तो फिर क्या कर सकते हैं? उसे भी कुछ ना तो क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अब देखो जितने भी वन पार्टी सिस्टम, देखो वन पार्टी सिस्टम मतलब अगर आपके देश में रहता तो 130 करोड़ की जनसंख्या में कौन उस पोस्ट पे जाता जिस बंदे के अंदर वास्तव में एबिलिटी है
सर यहाँ पे भी तो इलेक्शन जीत के ही लोग जाता है, कौन सा फ्री में कोई किसी को भेज रहा है? जीत के जाता है, मैं बता रहा हूँ क्या। अगर मैं इस सिस्टम को ही वन पार्टी में चले जाऊँ किसी भी, अभी देखो यूएसए में जो इलेक्शन चल रहे हैं कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, जीत गए सर जो बाइडन, दोनों जो बंदे हैं जीत गए उनके कांग्रेचुलेशन, जो भी है उम्मीद है कि वो हमारे देश के बाद अभी भी तालमेल हमें क्या कंप्यूटर बना बैठा रहे हैं सर, बोल तो रहे हैं सर ठीक है। देखिए तो उन्होंने तो बहुत सारी चीजें बोली, उनके स्टेटमेंट में तो तीन तीन पत्ता धारा पे भी एक्ट बोला था कि गलत हुआ, बहुत सारे पॉइंट है जिन पे सर वो तो सरकार गिराने के लिए बोला था, बस जो भी है उनका अपना है, वो आगे दो चार पांच महीने के बाद समझ में आ जाएगा क्या का सिस्टम चलेगा। यस सर वो तो मैं ये बता रहा हूँ कि सपोज आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे कैसा हुआ कि ट्रंप साहब वहाँ पे खड़े हैं और जो बाइडन साहब यहाँ पे खड़े हैं, पब्लिक सामने खड़ी है, पब्लिक पूरी बैठी है चेयर पे, और ये दो जिस जिस मुद्दे पे पब्लिक बोल रही थी उस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है वहाँ पे, और डिबेट में ये लोग क्या कर रहे थे उस पे तर्क रख रहे थे और पब्लिक को सैटिस्फाइड करना था अपनी बातों से। आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका का डिबेट, एक बार यूट्यूब पे जाकर पूरा इलेक्शन देख लेना कैसे होता है। अब वहाँ पे पब्लिक डिसाइड करेगी कि भाई इन दोनों में द बेस्ट कौन है, स्पीकर कौन इस डिबेट को जीता, डिबेट को जीता होगा फारा वोट से जीता है। ये सिस्टम सही है कि आपके देश का ये जो स्टेट लेवल का इलेक्शन हुआ ये हो रहा है बिहार में चल ही रहा है, देख रहे हो सर यहाँ पे भी तो कैंपेनिंग होता है सर। मान लीजिए ऐसा अगर डिबेट कराने लगा जाए तो सर भारत का लोग पढ़ा लिखा कहाँ है जो डिबेट में पार्ट करेगा? अच्छा ऐसा नहीं है सर, कोई ऐसा नहीं है सर, सर बेंगलुरु तेलंगाना साइड में है, ऐसा बात नहीं है सर। सर ऐसा तो कोई सर ऐसा तो कोई बोलने नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स बोलते थे सर। मेरे कहने का मतलब था कि जो मतलब विलेज एरिया के लोग हैं जैसे कि जो पुराने हो गए हैं सर, वो लोग कैसे करेंगे? पुराने के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, सर ब्रेक के बाद मिलते हैं ब्रेक, बट यहाँ पे स्टूडेंटों ने बहुत ही ज्यादा मतलब कि डिसअपॉइंटेड किया हम लोगों ने, स्टूडेंटों का स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, जिन जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पे आज डिस्कस किया है बस वही स्टूडेंटों के क्वेश्चन अब डाउट क्लास में पूछे जाएंगे, नहीं बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ जैसा जो करना था करते रहे, अब उनके डाउट क्वेश्चन से मेरे को मतलब नहीं रहेगा। सर इस टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछे भैया, टाइम तो हो गया बहुत ज्यादा निकलने का सर, शॉर्ट शॉर्ट बहुत शॉर्ट है सर, पूछना चाहते हैं कि सर वन पार्टी सिस्टम का कोई खामी बता दिए सर, यही नहीं पता इसलिए हम लोग थोड़ा देखो वन पार्टी सिस्टम में बस एक ही कमी है, अब मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई कमी है। देखो वहां का जो पॉइंट है, वहां का एक पॉइंट है कि वहां पर दूसरी जो अपोज हो गया, आपके देश में भी देख रहा हूँ कि कोई काम नहीं चल रहा, साथी कोई इकट्ठा किया, पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया हमने, ये सिस्टम वहाँ पे नहीं है सर। आप नॉर्थ कोरिया में रहना पसंद करेंगे सर? चाइना में रहना पसंद करेंगे, लेकिन सर ऐसा सर बताए ना, नॉर्थ कोरिया पसंद, मैं चाइना में रहना पसंद करूंगा। नो सर हम नॉर्थ कोरिया का पूछे, मैं चाइना में रहना पसंद करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ कोरिया, नॉट अबाउट चाइना सर। नॉर्थ कोरिया? नो सर, चाइना में भी सर है, वैसा कोई बात नहीं है सर। माइनॉरिटी को बहुत सप्रेस किया जाता है, अभी तो न्यूज़ आया था सर मुस्लिम्स के बारे में जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है। सर है ऐसा बात नहीं है, आपके देश में नहीं है सर, लेकिन अगर आपके देश में नहीं है तो ये दिन प्रतिदिन कभी भारत बंद, कभी बिहार बंद, कभी इंडिया बंद, कभी अपना घर बंद, बंद क्यों चलता है? इस तरह के मूवमेंट्स प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, आज जनी क्यों होती है? खुशी में लोग दिवाली मनाते हैं, होली फेस्टिवल कहाँ पे सर? होता है ये सब चीजें सर, होता है तो फिर ये सर वो तो बस थक जाता है लोग तो आराम करता है लोग ये तो हर देश में होता है, तो किसी एक प्रोटेस्ट को लेके आप नहीं ना बोलोगे पर प्रोटेस्ट हो इसलिए देश खराब है, प्रोटेस्ट तो अमेरिका में भी होता है, हर देश में होता है। यस सर, सर वहाँ पे लेकिन रिवोल्यूशनरीज को दबा दिया जाता है, इंडिया में तो सर इंडिया में कहाँ उतना होता है सर? एक पता लगाना पहले मेरे को बताना, अगले बार अर्णब गोस्वामी जेल क्यों गया ये क्वेश्चन है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये क्वेश्चन था उस समय, और आज क्वेश्चन है कि अर्णब पुलिस महाराष्ट्र पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट क्यों किया ये क्वेश्चन। हेलो तो अच्छा ठीक है सर, अब हम इसको बताएंगे क्वेश्चन।
I will answer you in the next class. I'm waiting. सर वो तो 2018 का कोई सुसाइड केस था।